सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ब्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन माय एसक्यूएल सर्वर एंड विजुअल स्टूडियो कोड। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और आपने टाइप करना है माय एसक्यूएल। जैसे आप ये टाइप करेंगे आपके पास आ जाएगा माय एसक्यूएल मैनेजमेंट टूल, तो वहाँ पे आपके पास इंस्टॉल की ऑप्शन होगी। मेरे में अनइंस्टॉल किया क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, बट आपको यहाँ पे इंस्टॉल का होगा, आपने क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप्स पे। उसके बाद आपने यहाँ पे फोल्डर पे जाना है। अब जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ना ये, तो आपके पास एक माई एसक्यूएल का टैब खुल जाएगा। ओके, अब आपके पास अभी लोकल होस्ट की ऑप्शन नहीं आ रही होगी। वो क्यों नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये हम लोगों ने अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है अभी ऐसे। बट अभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और मैं आपके संग स्टार्टिंग से फिर से बनाती हूँ। आपके पास अभी सिर्फ माई एसक्यूएल आ रहा होगा और यहाँ पे प्लस का सिंबल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कनेक्शन पे क्लिक करना है, मतलब कि प्लस पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे मांगेगा नेम द होस्ट, तो आपने क्या नेम करना है, लोकल होस्ट आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर आपने एंटर करना है। अब आपसे पूछ रहा है यूजर, तो बाय डिफॉल्ट इसका यूजर होता है रूट, आपने रूट लिख के एंटर क्लिक कर देना है। फिर पासवर्ड में फिर से आप रूट क्लिक करके फिर से एंटर, एक और बार एंटर, और ये ऑप्शनल है तो आपने फिर से इसमें कुछ बिना लिखे ऐसे ही एंटर कर देना है। अब आपके पास यहाँ पे लोकल होस्ट क्रिएट हो गया। बट अब आप इसको ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे हम लोगों को एक एरर दिख रहा है। अब इस एरर को हमने कैसे रिजॉल्व करना है, उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा फाइल्स पे। हम लोगों को सी ड्राइव पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोगों को ओपन करना है प्रोग्राम फाइल्स। जैसे हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को माई एसक्यूएल ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम लोगों ने माई एसक्यूएल सर्वर 8.0 को ओपन करना है। इसको क्लिक करके हमने बिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ तक आप आ गए, अब आपने इस एरिया पे एंटर करना है और इसको सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, सी एम डी टाइप करके एंटर क्लिक करना है। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे पास सी एम डी ये जो ओपन होके आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे फोर कमांड्स लिखनी है। ओके, अब सबसे पहले कमांड है माई एसक्यूएल स्पेस माइनस यू। माइनस यू का मतलब होता है यूजर नेम, तो यूजर नेम हमारा क्या लिखा है भी, रूट, और फिर स्पेस देके माइनस पी। माइनस पी होता है पासवर्ड। जैसे हम लोग एंटर करेंगे हमारे पास हमसे ये पासवर्ड पूछेगा, तो हमने टाइप कर देना है रूट करके एंटर। अब ये हमारे पास कनेक्शन क्रिएट हमारा हो गया है। ओके, अब इसके बाद आपने थ्री स्टेप्स और लिखने हैं। हमने क्या करना है, एक यूजर को क्रिएट करना है यहाँ पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने यूजर क्रिएट करने के लिए ये कमांड लिखनी है, बट मैं अभी क्या लिखती हूँ, ए बी सी डी। ओके, ये मैंने यूजर का नेम लिखा, देखो क्रिएट यूजर, फिर ये ए बी सी डी नेम लिखा, और पासवर्ड मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रूट। तो आप यहाँ पे ए बी सी डी की जगह कुछ भी लिख सकते हो। अब मैंने इसको कंट्रोल सी डाल करके कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने अब इसको पेस्ट करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आ गया क्वेरी। ओके, उसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्वेरी को कॉपी करूंगी, बट यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी क्या है, हमारा जो यूजर हमने क्रिएट करना है। तो जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, जरूरी है कि वही आप यहाँ पे भी लिखो। तो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट करके एंटर कर दिया। अब फिर आ गया क्वेरी। ओके, अब मैं अपनी लास्ट कमांड को कॉपी करूंगी, ये कॉपी करके मैंने ये भी यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दिया। अब हमारा यहाँ पे फिर से आ गया क्वेरी। ओके, अब आपने फिर से विजुअल स्टूडियो पे जाना है और जो आपने अभी ये क्रिएट किया ना, इसको आपने डिलीट कर देना है। अब फिर से हम लोग कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे। मैंने प्लस पे क्लिक किया और होस्ट में क्या देना है, लोकल होस्ट, एंटर क्लिक कर दिया। अब हमारा यूजर वही होगा जो हमने यहाँ पे यूजर दिया, और यहाँ पे हमने क्या दिया था, ए बी सी डी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी सी डी, फिर एंटर, पासवर्ड रूट, एंटर, एक और एंटर, और लास्ट में भी एंटर। अब हमारा यहाँ पे फिर से लोकल होस्ट क्रिएट हो गया है और आप देखो अब हमारा यहाँ पे कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। पहले यहाँ पे एरर आ रही थी, बट अब यहाँ पे एरर नहीं आ रही। ओके, अब आपने इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी को क्लिक कर लेना है। जैसे आप न्यू क्वेरी को क्लिक करोगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा, वहां पे आप अपना कोड लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे पहले से ये कोड लिखा हुआ है, अभी आपको कोड समझना नहीं है, अभी जस्ट हमने इस वीडियो में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है। कोड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, बस मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रिएट डेटाबेस किया है जिसका नेम दे दिया यूट्यूब। ओके, और मैं इस क्वेरी को ऑलरेडी रन कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब YouTube जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास टेबल बना हुआ है यूजर का और इसमें आईडी, नेम, फोन, सब्स एंड पासवर्ड है। ये कैसे है, ये देखो यहाँ पे मैंने इंसर्ट वैल्यूज की, नेम,
फोन नंबर सब सेंड पासवर्ड, तो यहाँ पे नेम फोन नंबर सब सेंड पासवर्ड आ गया। अब जो मैंने यहाँ पे आईडी भी गिवन है वो आईडी इसलिए गिवन है क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आईडी अपने आप वो इंक्रीमेंट होती जाएगी, मतलब नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता जाएगा। अभी आप इस पर टेंशन मत लो, मैं ये कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपने बस अभी इसको कॉपी पेस्ट करके ये देखना है कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं। अब ये आपने कोड सपोज करो लिख दिया, उसके बाद अब आप अगर मैं इसको रन करूंगी ना मेरे पास ये एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? वो कहेगा कि आप ऑलरेडी यूट्यूब नेम का डेटाबेस बना चुके हो, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कैसे रन करना है। राइट क्लिक करके आपने करना है रन माई एसक्यूएल क्वेरी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे एरर आ रहा है कि कांट क्रिएट डेटाबेस यूट्यूब ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको देखना है कि मैंने इसमें ये वैल्यूज दी, अब मैंने इसको देखना है कि मेरे इसमें क्या क्या वैल्यूज है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूट्यूब डॉट यूजर, डेटाबेस का नेम फिर टेबल का नेम। तो यहाँ पे जब मैंने अब इसको रन किया ना तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गए, कोडिंग क्रेन और स्टाइल विथ प्रेरणा। वो क्यों आई यहाँ पे वैल्यूज, जो कि मैंने यहाँ पे गिवन थी, जो जो मैंने यहाँ पे गिवन है वही वो यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो इससे ये पता चल गया कि हमारा जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास तो यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है, बट हो सकता है आप इस क्वेरी को रन करो बट ऐप में नहीं आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपके पास जो भी आप एक्स्ट्रा डेटाबेस क्रिएट करोगे वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये था हाउ टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन MySQL सर्वर एंड लोकल होस्ट, सॉरी विजुअल स्टूडियो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी एरर आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।